हे गाइस, दिस इज इरफान खान, वेलकम माय यूट्यूब चैनल फिट रूट। तो आज हम फिर से आ चुके हैं यूट्यूब पर। 3 दिन बाद आज ये वीडियो अपलोड होने वाला है। मैं अपर बॉडी मिक्स ले रहा हूँ वर्कआउट, तो सोचा वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले आप लोग के साथ थोड़ी बात की जाए। कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको आपके फैट लॉस जर्नी में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, जो हम छोटी छोटी चीज़ें सोचकर इग्नोर करते हैं, बट वही चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है फैट लॉस जर्नी में। शायद मैंने मेरे 2 वीडियो में वो पॉइंट रिपीट बोला रहूँगा, जो अभी फिर से रिपीट हो तो प्लीज़ इग्नोर करिए, बिकॉज मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखता हूँ। जो मुझे बोलना है मैं डायरेक्ट बोलता हूँ यूट्यूब पर। कोई स्क्रिप्ट लिखकर पिछला वीडियो में ये बोला था अभी नहीं बोलना है, ये सब नहीं। तो शायद वो पॉइंट्स रिपीट हो तो इग्नोर करना। तो पहली चीज़ यही है जो मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप कैलरी डेफिशिएट पे हो, कैलरी सरप्लस पे हो, कोई इशू नहीं। आप लोग मॉर्निंग कार्डियो कभी मिस मत करिएगा। खाली पेट करना है खाली पेट करो, BCAA लेके करना है BCAA लेके करो, नींबू पानी लेकर करना है नींबू पानी लेकर करो, या फिर कुछ खा कर करना है, जैसे भी आपके मैक्रोस हैं वो खा कर करो। बट एटलीस्ट सुबह 30 मिनट का कार्डियो करना बहुत ज़रूरी है। 30 मिनट के कार्डियो में अगर आप नॉर्मल 5-6 की स्पीड में भी रनिंग करते हो, वॉक करते हो, तो 10 मिनट में आपके 1000 से 1200 स्टेप्स होते हैं। तो आधे घंटे के कार्डियो में आपके 3,500 के लगभग स्टेप हो जाएंगे, जो कि ऑलमोस्ट 150 कैलोरीज के करीब होता है। और एक ऐसा वर्कआउट डिज़ाइन करो जो वर्कआउट में आपके मिनिमम 1000 कैलोरीज तो बर्न हो, मिनिमम, कम से कम आपके रेपिटेशन आपके डेडलाइन तक, मतलब फेलियर तक जाना चाहिए। ऐसा नहीं आपने 15 का टारगेट किया, 15 मार के रख रहे हो, इजीली जा रहा है। अगर वो 15 आपसे इजीली जा रहा है रैप, तो आपको ये सोचना है कि सेकंड सेट मेरा वो वेट हो जो मेरे से मेरा फेलियर 8 से 10 रैप का हो। थर्ड भी वैसा ही डिज़ाइन करिए, फोर्थ सेट भी वैसा ही डिज़ाइन करिए। आपको वेरिएशंस आपके मसल्स के अकॉर्डिंग लेना है। जैसा कि अपर बॉडी का मेजर मसल्स होता है बैक, तो मैं यूजुअली उसमें डेडलिफ्ट और लैट पुल डाउन को मिलाकर 6 वेरिएशन लेता हूँ, इफ डबल बॉडी पार्ट कर रहा हूँ तो, वरना मैं 8 वेरिएशन लेता हूँ। और कुछ लोग क्या, मैं ही 1 साल पहले तक खाता था प्री वर्कआउट मील और डायरेक्टली वर्कआउट जाता था। तो ये गलती मत करिए। जैसा आप कुछ भी कंज्यूम करते हो उसके बाद एटलीस्ट 30 मिनट वेट करना, ताकि वो जो आप खाए हो वो प्रॉपर डाइजेस्ट हो, जो कैलरीज वहाँ पर डाइजेशन में बर्न होना चाहिए वो वहाँ पर यूज़ हो जाए, फिर आप जो यहाँ कैलरीज बर्न कर रहे हो वो यहाँ वर्कआउट में यूज़ हो जाए। तो ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये सब आपको याद रखना है। अपनी हर मील में मैक्सिमम, आप जितनी मील में फाइबर ग्रीन वेजेस ऐड कर सकते हो मैक्सिमम करो, बिकॉज वो लेस इन कैलरीज होती है बट वो स्लो डाइजेशन होती है, इसीलिए वो फूड को बर्न करने में हमारी बॉडी एक्स्ट्रा कैलरीज यूज़ करती है। जैसा कि कहा जाता है और बहुत सी स्टडी में भी बताया गया है, अगर हम कोई भी फूड कंज्यूम कर रहे हैं, कोई भी मील में कोई भी फूड कंज्यूम कर रहे हैं, मोर देन 20% वो फूड की कैलरीज उसे डाइजेस्ट करने में यूज होता है। तो वैसा ही हाई फाइबर फूड या फिर वेजिस कह लो, जो भी आपको कहना है कह लो, वो स्लो डाइजेशन होते हैं, तो वो डाइजेस्ट करने में ज़्यादा टाइम जाता है। वो ज़्यादा टाइम जाने की वजह से कैलरीज ज़्यादा बर्न होती है। तो हर मील में ग्रीन वेजेस ऐड करो। आपका जो भी मैक्रोस है वो मैक्रोस वेजेस लेने से पहले कंज्यूम कर लो। नो डाउट कैलरी डेफिशिएट पे होते हैं तो पेट नहीं भरता है, उसके बाद ग्रीन वेजेस आपको जितना खाना है खाओ,
आपका पेट भरे तक भूखा भी नहीं रहना है भाई, वरना जॉइंट्स पेन वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं। वाइटामिन्स कभी ना भूलिए। अगर आपका बजट है तो या तो वर्कआउट से पहले या फिर जैसा मैंने मॉर्निंग में सुबह के कार्डियो में कहा है BCAA ऐड कर लो। बजट नहीं है तो कोई इशू नहीं, इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक चीज़ और बोलना था, आपका वर्कआउट हो जाता है उसके बाद एटलीस्ट 15 से 20 मिनट का रेस्ट लो, हार्ट बीट नॉर्मल होने दो, मसल्स सारे रिलैक्स होने दो, प्रॉपर स्ट्रेचिंग कर लो, उसके बाद अपनी पोस्ट वर्कआउट मील लो। ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें होती है इसे हम इग्नोर करते हैं, बट यकीन मानिए ये मैंने मेरे ट्रांसफॉर्मेशन में एक्सपीरियंस किया हूँ, क्योंकि यही सब छोटी छोटी चीज़ों की वजह से ही बॉडी एक बेहतरीन बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन देती है। सबको वर्कलोड होता है, मुझे भी है, मुझे 10 घंटा ट्रेनिंग देनी होती है मेरे क्लाइंट्स को, उसके बाद घर जाकर जो भी फैमिली बिजनेस है, फैमिली का काम है वो देखना होता है, फिर 1.5-2 घंटे का वर्कआउट करना होता है, उसके बाद प्रॉपर 6 मील 5 मील जो भी मेरी सेट है, कभी 5 होती है कभी 6 होती है, वो कंज्यूम करना होता है, फिर वो मील लेने का भी मुझे टाइम नहीं होता है जब मैं ट्रेनिंग देने आता हूँ, सुबह 4-5 घंटे, शाम में 4-5 घंटे, बट जैसा तैसा करके एडजस्ट कर रहा हूँ। दिन भर में 24 आवर्स में मेरी हार्डली 4-5 घंटा स्लीप होती है वर्कलोड की वजह से, इसीलिए मसल्स प्रॉपर रिकवर नहीं हो पाते, और वो रिकवर नहीं होते हैं तो ग्रो भी नहीं हो गए। बट जितना हो सके मैं अपना 100% दे रहा हूँ, आप भी सपोर्ट करते रहो, और कोई पॉइंट मुझसे मिस हुआ है जो मुझे आप लोग को बताना चाहिए मुझे कमेंट पर बता दो, या फिर ये रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हूँ, आप मुझे वहाँ पर पूछ सकते हो। और मैंने इंस्टाग्राम पर आज रात को एक स्टोरी पे चार्ट अपलोड करने वाला हूँ, अकॉर्डिंग टू आवर वेट कितनी कैलोरीज हमें डेफिशिएट में लेनी चाहिए, तो आप लोग जाके मेरी स्टोरी चेकआउट भी कर सकते हो। वर्कआउट हो चुका है, 1.5 घंटा लग गया वर्कआउट होने में, बट ठीक है, जितना अच्छा वर्कआउट होगा उतनी अच्छी बॉडी रिस्पॉन्स देगी। अभी पोस्ट वर्कआउट मील लेना है, मैं प्रोटीन शेक लाना भूल गया हूँ फिर से,
बट मेरे पास चिकन थोड़ा ज़्यादा है तो मैं वो खा लूँगा। मेरी दी गई टिप से आपको कितनी हेल्प हुई, क्या सीखने मिला, मुझे कमेंट में बताइए। इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते हो तो फॉलो करते रहो, वहाँ मैं छोटी छोटी क्लिप डालते रहता हूँ वर्कआउट के रिलेटेड, तो वहाँ से भी आपको कुछ सीखने मिल सकता है। और लास्ट टू लास्ट वीडियो में मुझसे किसी ने पूछा था ये ग्रिप, ये जो ग्रिप है मैंने अमेजोन से बाय किया है, कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है। उस वक्त 350 समथिंग में दो ग्रिप थी, तो ऑफर में मैंने, मेरे को दो मिली थी, अभी शायद एक है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, चेकआउट कर लेना। ये ग्रिप से आपको डेडलिफ्ट में, मतलब पुलिंग मूवमेंट में 50% से ज़्यादा हेल्प मिल जाती है, सो एक बार ट्राई ज़रूर करना। आगे कुछ सीखना है, कुछ जानना है तो मुझे कमेंट में बताइए, मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करिए, सपोर्ट करिए, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कनेक्ट रहो। और कुछ जानना है तो मुझे आप इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो, मेरा व्हाट्सअप नंबर भी नीचे दे दिया गया है, आप किसी भी तरह से मुझसे कनेक्ट रह सकते हो। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं ट्राई करूँगा क्लियर करने का, कुछ आप मुझसे सीखिए, कुछ मैं आप लोग से सीखूँगा। सपोर्ट करते रहो, बाय, टेक केयर।